नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 के रन का आज क्वालिफायर मुकाबला हो रहा है। अब से ठीक 3 घंटे के बाद छठे राउंड में 58 सीटों पर मुकाबला फिनिश हो जाएगा। 1 जून को फाइनल राउंड में 57 सीटों पर मुकाबला बाकी रहेगा। बीजेपी के लिए आज का चुनाव डिफेंस टेक्निक का सबसे बड़ा टेस्ट है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जिन 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 45 सीटें एनडीए के पास है। इंडिया अलायंस के पास मात्र 5 सीट है जबकि अदर्स के पास 8 सीट है। मतलब ये कि बीजेपी को इस राउंड में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी पुरानी सीटों को रिटेन करना और साथ ही 400 के टारगेट को अचीव करना। बीजेपी को अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, इसमें थोड़ा और सुधार करना होगा। बीजेपी को अपना डिफेंस इसलिए भी मजबूत करना होगा क्योंकि जिन 58 सीटों में से एनडीए 45 सीटें जीती थी उनमें से बीजेपी के ही पास अकेले 40 सीटें थी। इसके अलावा जेडीयू के पास 3, एलजेपी के पास और आरजेएसयू के पास 1-1 सीट। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस के पास यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस का पहले से ही स्ट्राइक रेट यहां पर 0 है, 0 है। कांग्रेस के पास अचीव करने का मौका है लेकिन कितना ये मौका कामयाब होगा जनता तय करेगी ईवीएम का बटन दबाकर। इंडिया अलायंस के पास जो 5 सीटें हैं उनमें से 3 सीट ममता बनर्जी के पास है। हालांकि इसमें भी एक पीच है जो आगे मैं आपको बताऊंगी जब मैं बंगाल को लेकर इसमें चर्चा करूंगी तो वो रिकॉर्ड भी आपके सामने रखूंगी। ममता दीदी के अलावा इंडिया अलायंस में 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 8 सीटें अदर्स के पास जो है उनमें से 4 सीट मायावती की हैं। इस पर भी मोदी की कोशिश ये है कि इन 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाए। इसके अलावा बात उड़ीसा की भी जहां की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी के पास ये 4 सीटें हैं। आज नवीन पटनायक अरसे के बाद जब सामने आए तो कैसे दिखाई दिए, क्या बोला या नहीं बोला, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। आपको मोदी का स्ट्राइक रेट कहां बढ़ना जरूरी होगा अगर वो 400 का आंकड़ा उन्हें पार करना है तो। इंडिया अलायंस का स्ट्राइक रेट कहां कहां बेहतर है ये भी आपको दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर आपके सामने रख देती हूं। पश्चिम बंगाल में छठे फेज के चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा की तस्वीर सामने आई। झारग्राम से बीजेपी कैंडिडेट प्रणव टुड्डू की गाड़ी पर अटैक किया गया, साथ ही मीडिया की कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी उम्मीदवार प्रणव टुड्डू की सिक्योरिटी में तैनात सीआईएसएफ के सिर पर इतनी चोट आई कि देखिए किस तरीके से कपड़े से बांधना पड़ा, सिर फट गया है। झारग्राम सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से अपने कैंडिडेट को बदल दिया। मौजूदा सांसद कुंवर हेम्ब्रम की जगह प्रणव टुड्डू को टिकट दिया गया है। उनके खिलाफ टीएमसी के कालीपद सोरेन मैदान में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल जहां सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत सामने आया, 55% से ज्यादा मतदान अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो बता रही है। लेकिन झारग्राम में कैसी हिंसा हुई जरा ये देखिए, एक आपाधापी दौड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन एक तरफा बनी कि जो सिक्योरिटी में तैनात थे उन तक के सिर पर इतनी गहरी चोट आई है कि सिर को कपड़े से बांधा गया, उनका सिर फट गया है। आज का चुनाव मोदी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी एक एक वजह आज आप राजधर्म में देखने जा रहे हैं क्योंकि जिन 8 राज्यों में वोटिंग हो रही है उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां मोदी का स्ट्राइक रेट पहले से ही 100% है। यानी मोदी को वहां केवल डिफेंस करना है, बाकी जगहों पर मोदी को अगर 400 का टारगेट अचीव करना है तो उन राज्यों में मोदी को अपना स्ट्राइक रेट बेटर करना होगा। अगर बात बिहार की करूं तो बिहार में 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सभी 8 सीट एनडीए के पास है। ऑलरेडी यहां पर स्ट्राइक रेट बीजेपी का 100% है। इसी तरह हरियाणा की बात करें, यहां के 10 सीटों पर मतदान हो रहा है, पिछली मरतबा 10 की 10 सीटें बीजेपी का कब्जा यहां पर रहा, यहां पर भी स्ट्राइक रेट 100% रहा। इस बार इसे रिटेन करना है, डिफेंस कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली की 7 सीटों पर मोदी का कब्जा, मतलब कि राजधानी दिल्ली में स्ट्राइक रेट 100%। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है जहां पर मोदी का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में 100% था,
ये तो वो सीटें हुई जहां पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के बैटिंग पिछली मर्तबा फुल फॉर्म में थी, ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन क्या इसे इस बार वो बरकरार रख पाएंगे? और इसलिए मोदी के लिए जो असली चुनौती की बात कही जा रही है वो उत्तर प्रदेश में कही जा रही है। जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है उनमें से पिछली बार 9 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने जीती थी। यहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 64% का रहा। बीजेपी पिछली बार भले ही फर्स्ट डिवीजन पास हो गई हो, लेकिन अगर मोदी को उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को अचीव करना है तो यहाँ पर अपने स्ट्राइक रेट में 36% का इजाफा करना होगा ताकि 100% अचीव किया जा सके। बंगाल में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और बंगाल की 8 में से 5 सीटें पहले से ही बीजेपी के पास है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी, यानी कि पिछली बार बंगाल में मोदी का स्ट्राइक रेट 63% का रहा। इस बार मोदी के पास बंगाल में स्कोप काफ़ी है क्योंकि जिन 3 सीटों पर पिछली बार अधिकारी फैमिली के सहारे ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की थी, अब वही सीटें अधिकारी फैमिली अपने साथ लेकर बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। लड़ाई केवल एक सीट पर है। मोदी के लिए दिल्ली में 2024 में ओपोजिशन ने एक नया गेम किया, एक नई फील्ड सजाई, एक नया इक्वेशन तैयार किया। पिछली बार 2 आक्रामक बैटिंग करने वाले मोदी के लिए इस बार दिल्ली में केजरीवाल और राहुल एक साथ मिलकर फील्ड सजा चुके हैं। मतलब ये कि पिछली बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। एंटी मोदी वोट का बंटवारा रोका जा सके, सारा प्रयास इस बात का है। और मोदी का विजय रथ दिल्ली में क्लीन स्वीप ना कर पाए, लेकिन मोदी तो मोदी हैं, उन्होंने भी इस बार दिल्ली जीतने के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। वो कहते हैं ना, सारे घर के पर्दे बदल डाले, सारे बल्लेबाज बदल डाले एक को छोड़कर। मोदी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। केवल एक है मनोज तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैदान में हैं, वो रिटेन किए गए हैं, बीजेपी ने उन्हें ही रिपीट किया है। बाकी की 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये दिल्ली की चैलेंज की बात हो रही है और दिल्ली का मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां से मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पीछे भी एक वजह है। पिछली बार मनोज तिवारी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, जीत जबरदस्त थी, लेकिन इस बार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट कन्हैया कुमार है, जो पिछली बार बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही पूर्वांचली हैं, दोनों ही बिहार से आते हैं और इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुकाबला रोचक हो जाता है। बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी दावा ये कर रहे हैं कि शाम तक उनके विरोधी घर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस बार वो जीत रहे हैं, क्या रिएक्शन है? अरे वो ट्रेन पकड़ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं घर वापस। टूरिस्ट लोगों का टूरिज्म खत्म। ये हमारे लोकसभा के गली गली में एक ही चर्चा है कि भारत माता की जय वाला या भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला। भारत माता की जय वाला, भारत की सेना को गाली देने वाला या भारत की सेना को सैल्यूट करने वाला भारतीय जनता पार्टी। अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला कन्हैया कुमार या अर्धसैनिक बलों के लिए देश के लिए देशभक्ति भाव में हमेशा आगे रहने वाला मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी जी, ये सब यही चर्चा है और ये चर्चा में देश हित में सबका वोट है। मनोज जी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की यहाँ पे, तो आम मुद्दों की बजाय लोग राष्ट्रवाद और पीएम मोदी, विकास, इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब आप निकल रहे हैं या आपने पूरा कैंपेन किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली 25 साल से या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास है, तो पानी तो दे नहीं पाए ठीक से, सीवर तो कर नहीं पाए। हमारे यहाँ दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन तक रोक दिए। तो जब ये बातें, लेकिन लोगों को पता है कि ये मुद्दा अभी हम 6 महीना बाद बात करेंगे, आज तो प्रधानमंत्री बनाना है देश का, और वो प्रधानमंत्री पद के लिए दिल में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, और उसके लिए लोग देश हित। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है, और जो अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर सीएम आवास के अंदर जो मुद्दा हुआ, स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा, वो आरोप लगा रही है पिटाई हुई,
राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए जेब में आएंगे हर महीने, दोनों ही मुद्दों पे जवाब दीजिए। ये देखिए, जो लोग 1000 रुपया कह के नहीं दे पाए महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, ये लोग झूठे बोल, लेकिन जिन्होंने महिलाओं को पीटा है आज जनता उनको पीटेगी। मैसेज आप समझ रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं को पीटा है जनता आज उन्हें पीटेगी। स्वाति मालेवाल की तरफ ये इशारा था और निशाना सीधा अरविंद केजरीवाल पर था, उनकी पार्टी पर था। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट 3 सीटों पर हैं। जरा आप देखिए यहाँ की स्थिति, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नई दिल्ली सीट पर जब वोटिंग करने के लिए गए, जहां से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती यहां से ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन की वजह से कांग्रेस को नई दिल्ली सीट छोड़नी पड़ी और इसलिए सोनिया, राहुल और प्रियंका को पहली बार कांग्रेस के पंजे की जगह आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर बटन दबाना पड़ा। एक अंडरकरंट है और लोगों में बहुत ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, जो मुद्दे मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं, लोगों की बहुत समस्याओं की का सामना कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी, व्हाट इज द बिगेस्ट इश्यू? दैट इज सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। शुरू से हम सिर्फ जनता के मुद्दों पे पूरा प्रचार कर रहे हैं, पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे है, यही चल रहा है हमारे। 4 जून को इंडिया, जनता यही चाहती है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार, प्रियंका जी उम्मीद पूरी है? उम्मीद पूरी है 4 जून। दिल्ली की एक और सीट, नई दिल्ली की जहां हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने तो झाड़ू का बटन दबा दिया, लेकिन नई दिल्ली के वोटर्स का मूड क्या है, वोटर्स किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, उनके लिए विकास मुद्दा है या फिर वो बदलाव चाहते हैं, शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वाति मालेवाल की पिटाई उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, आप उन्हीं की जुबानी समझेंगे। किन मुद्दों के आधार पर आज वोट डाला, क्या मुद्दे थे दिमाग में? देश के विकास, तो इससे बढ़िया, हाँ बहुत विकास हुआ है, हाँ। मोदी जी तो बहुत काम किए हैं। अच्छा ये बताइए कि गारंटी किस नेता की पसंद आती है? मोदी जी का विकास के नाम पर वोट डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम सर, सेम महिंदर कुमार ना। किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है? विकास, आज देश को मोदी जी ने वहां पहुंचा दिया जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। राम मंदिर, 370 महिला अपनी जो मुसलमानी बहनें उनका जो तलाक का ये बहुत अच्छे काम करे, हम बड़े प्रभावित है नरेंद्र मोदी जी सरकार से। अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, बहुत ही बेहतर। आपका क्या नाम है? गजेंद्र प्रसाद। क्या लग रहा है कि गारंटी किस नेता की समझ में आ रही है इस बार? गारंटी तो मतलब मोदी जी की है, 100% आ रही है। कह रहे हैं कि पीओके भी ले आएंगे 6 महीने में सरकार आ गई तो? बिल्कुल आएंगे, लाएंगे। हाँ, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं, केजरीवाल जी, केजरीवाल तो बेकार हो गया। मैं खुद केजरीवाल का सदस्य बना था जब शुरू में ये पार्टी बनी, लेकिन अब लक्षण देखकर इनसे दिल भर गया हमारा। वोट दे आए हैं बिल्कुल। ये बताइए मुद्दे क्या थे जहन में, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? मुद्दे यही कि भाई हमारे बच्चे, जो ये बेटियां हैं मेरी, जॉब के लिए आगे प्रोग्रेस करें बच्चे। अगर जनता ये कहने लगे कि लक्षण देखकर दिल भर गया, तब आप समझ लीजिए ये लक्षण कांग्रेस पार्टी के लिए और ये रिएक्शन आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। दिल्ली में जिन सीटों पर इस बार टफ फाइट मानी जा रही है, उनमें से एक सीट है साउथ दिल्ली की, जहां बीजेपी के रामवीर सिंह भिदूड़ी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान के साथ है। इस सीट पर 10% गुर्जर है और 8% जाट वोटर्स है, और जो हार और जीत को तय करते हैं। पूर्वांचली वोटर्स की तादाद भी यहाँ अच्छी खासी है। साउथ दिल्ली के लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, रमेश भिदूड़ी 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार साउथ दिल्ली के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, साउथ दिल्ली के दिल में क्या है, मुद्दे क्या हैं, शांति जी आपके इस बार क्या दिमाग में है कि क्या लगता है कि इस बार नई सरकार ये करे इसलिए मैं वोट दे रही हूँ, क्या चाहती हैं आप? आगे अभी तक तो अच्छे ही कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जहन में वोट करते हुए? मेरे लिए मतलब थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड डाल दूंगी, फॉर मी सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का जो रियल मायने होता है ना, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड
दैट इज माई मेन कंसर्न. प्रोग्रेस सब में हो जाएगी, सब होगा, बट सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का मीनिंग हम लोग यहाँ कहीं खो गए. गारंटी सब नेता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसकी गारंटी में आप लोग? देखिए, देखिए वोटर जो है आज बहुत समझदार है. हर वोटर रियलाइज करता है कि जो मैनिफेस्टो है हर पार्टी देती है हर इलेक्शन से पहले, और सबके पास काफी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. बीजेपी ने इस बार नॉर्थ वेस्ट सीट पर अपने उम्मीदवार बदला है और बीजेपी ने इस बार यहां से योगेंद्र चंदौलिया को उतारा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से उदित राज चुनावी मैदान में है. नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जनता पिछले दो बार से बीजेपी को चुनती आ रही है, इस बार नॉर्थ वेस्ट की जनता क्या करेगी? वोट डालते वक्त उनके मन में कौन कौन से मुद्दे, क्या वो बदलाव चाह रही है या विकास को वोट कर रही है? क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह. क्या लग रहा है कि किसकी हवा लग रही है अभी? इस बारे में तो मैं कह नहीं सकते, बट बीजेपी. क्या नाम है आपका? दीपक. दीपक जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया माहौल है, विकास के नाम पे है. विकास के नाम पे. केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट नहीं पड़ा, कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा, एनडी गठबंधन को वोट नहीं पड़ा, तो उनको 2 तारीख को फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है, मोदी का विकास है, मोदी को ही वोट जाना. सर आपका क्या नाम है? मेरा राजन का नाम है. क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस समय? सर माहौल तो ठीक है, यहाँ सब सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है सारा कुछ. बाकी यहाँ का जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोहिणी का अभी पूरा तरीके से हुआ नहीं, यहाँ पर डेवलप हुआ नहीं. जो आए पहले आए कई कई 10 सालों से कोई काम नहीं किया, पिछले सांसद भी रहे थे, उससे पिछले सांसद भी रहे थे, तो कोई काम नहीं हुआ रोहिणी का. जो अब आते हैं, अब देखते हैं नए तरीके से काम होता है, नया विकास होगा, देखते हैं. आपका क्या नाम है? मनीष दरावरिया. क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? ये माहौल तो एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रखा है. छठी फीस में सबसे टफ फाइट हरियाणा की है. हरियाणा की जिन 10 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, इन सभी सीटों को पिछली बार बीजेपी ने जीता था. 2019 के चुनाव में यहां मोदी का स्ट्राइक रेट 100% था, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है. हरियाणा को लेकर कांग्रेस की होप इतनी हाई क्यों है? क्या इस बार कांग्रेस हरियाणा में कोई उलटफेर कर पाएगी या मोदी एक बार फिर से हरियाणा में नंबर 1 रहने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है? बीजेपी को सामने हरियाणा में सभी सीटों पर डिफेंड करने की उन्हें चुनौती मिली है, क्योंकि 10 की 10 सीटें 2019 चुनाव में बीजेपी ने ये सीटें जीती और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीती. 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58% था, तो कांग्रेस 28% वोट शेयर ही यहां से हासिल कर पाई थी. यहां एक और बात आपको बता देती हूं, हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी ने फरीदाबाद और करनाल की सीट 6-6 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा था. वहीं भिवानी, महेंद्रगढ़ की सीट पर जीत का मार्जिन 4 लाख वोटों से ज्यादा था. इसके अलावा सोनीपत सीट की बात करें, जाट बहुल सीट है, बीजेपी ने यहां 1.5 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीता था. केवल एक सीट ऐसी है रोहतक जिसका मार्जिन बहुत ही कम था. इस सीट पर भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े थे, जिन्हें बीजेपी के अरविंद शर्मा ने हरा दिया था. इस बार फिर दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा आमने सामने हैं. रोहतक में हुड्डा फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर है. इस सीट पर बीजेपी के अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच कांटे का मुकाबला है. पिछली बार महज 7,503 वोट से हारे दीपेंद्र हुड्डा के सामने अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती है. हरियाणा की इन 10 सीटों में से जिस सीट पर सबकी निगाहें हैं, वो जाट बहुल रोहतक है. रोहतक में हुड्डा फैमिली की प्रतिष्ठा, इस सीट पर बीजेपी के अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में कांटे का मुकाबला है. जाट बहुल रोहतक सीट होने के बाद भी बीजेपी के अरविंद शर्मा ने 2019 के चुनाव में बहुत ही क्लोज मुकाबले में ये सीट निकाल ली थी. मात्र 7,503 वोट का ही अंतर था. पिछला चुनाव अरविंद शर्मा से हार चुके दीपेंद्र हुड्डा इस बार अपने राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये सीट ही नहीं बल्कि बाकी सीटें भी कांग्रेस ले जाएगी. रोहतक से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा सर हैं. सर आज वोटिंग होनी है, आप कितने आश्वस्त हैं? पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा. सर
जिनके सामने आप खड़े हैं उन्होंने पिछले बार आपको शिकस्त दी है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में दो गुटों में बटी हुई है। कोई हरियाणा में सर, कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा का मतदाता एकजुट है, लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है, हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग ना सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट हम बड़े बहुमत से जीतेंगे मगर हरियाणा की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। एक और चीज कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर कितना हावी है, क्या आपने स्थानीय मुद्दों को उठाया है? सारे फैक्टर इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई की मार, दुर्दशा, 10 साल की डबल इंजन सरकार पूर्णतः फेल हुई धरातल पे, आज हरियाणा विकास की पटरी उतर गया, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस बार दीपेंद्र हुड्डा पूरी तैयारी करके मैदान में उतरे हैं। रोहतक में करीब 6.5 लाख जाट वोटर्स हैं, जबकि 3 लाख एससी वोटर्स हैं और 2.25 लाख यादव वोटर्स की आबादी है। वहीं सीट पर ब्राह्मण वोटर्स भी करीब 1,30,000 हैं। रोहतक में इस बार किसकी हवा चल रही है? रोहतक के पोलिंग बूथ पर लाइन लगाए खड़े हुए वोटर्स के मन में क्या है, वो किन मुद्दों पर ईवीएम का बटन दबा रही है, ये सुनना भी जरूरी है। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस समय मौजूद है सांघी विलेज में, हॉट सीट इसे माना जाता है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है, बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा मैदान में है। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा ये अपनी सीट हारे थे, लगातार सीट जीतते आ रहे थे, लेकिन पिछली बार जो है उन्हें शिकस्त मिली थी। इस समय दीपेंद्र हुड्डा अंदर वोट भी कर रहे हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोच के इस बार वोट डालिए, क्या परेशानी है यहाँ पे, किन बातों पे आप इस बार वोट डालने वाले हैं? बेटी हम तो बहुत दुखी कर दिया इसे मोदी ने, परेशानी के मरता को आज भी झाड़ ली ने, कुछ नहीं छोड़ रहा क्या मोदी ने, कर करना है पुराने और हम दोस्त कभी फ्री कर दिया, जमा कभी नंगे ऊंचा सब तो ऊंचा कर दिया। बेटी क्या परेशानी है, क्या यहाँ आप किन मुद्दों पे आज वोट? बेरोजगारी ज्यादा जी, बेरोजगार। हाँ, अरे विकास करेगा दीपेंद्र आगा तो विकास होगा कांग्रेस में। क्या कहेंगे, क्या परेशानी है, किन मुद्दों पे? हरियाणा की जो औरतें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बोला 1,00,000 रुपए देंगी, क्या इस गारंटी पे आपको भरोसा है? भरोसा बेटी सारी चीज देगी कांग्रेस, जो कुछ छोटी है ना। और मोदी कभी झूठा, मोदी कभी झूठा, एक स्कूल था 10 गांव का अरे कारण था, वो भी तोड़वा दिया मोदी ने, बाल कित पर देखे करे वाला के बोले, यो भी तो देखो किसा। आपने रोहतक के लोगों की बात सुनी, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने क्या कहा ये भी सुना। अब मैं आपको हरियाणा की एक और सीट के बारे में बताती हूं, जो है तो जाट बहुल, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर ब्राह्मण उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। बीजेपी ने यहां से मोहन लाल बड़ौली को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनेलो और जेजेपी ने यहाँ जाट उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। सोनीपत में करीब 6 लाख जाट वोटर्स हैं जो जीत का हार का फैसला करते हैं। इसके अलावा 2 लाख ब्राह्मण वोटर्स भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हरियाणा में इस बार कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जितना बड़ा हार का मार्जिन था, क्या वो इतनी आसानी से कवर हो पाएगा? अब करनाल की ही सीट को आप ले लीजिए, यहाँ 2019 में 6,56,000 से ज़्यादा का मार्जिन था और इस बार तो बीजेपी ने करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतार दिया है। खट्टर का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दांव लगाया जरूर है, लेकिन ये कितना कामयाब होगा या ये फेल होगा, ये 4 जून को तय हो जाएगा। सर आप लगातार 1x1 कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है? जी जी, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं हर बूथ के ऊपर लंबी लाइनें लगी हैं, इसका अर्थ एवरेज से ज्यादा वोट डल रहे हैं और उत्साह है लोगों के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उन वोटर्स के जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो उनकी खुशी है, वो ये इंगित करती है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आप लगातार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इस बार जो वोट डाला जा रहा है, क्या वो आपके नाम पर डाला जा रहा है या जो केंद्र का विकास है उसके नाम पर वोट जो है वो? देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो ख्याति है, जो उनका एक सूझबूझ से उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याएं हल की हैं, जनता उसका मूल्यांकन करती है और जनता को मालूम है कि कांग्रेस तो हमेशा डराती रही है। लेकिन सर लगातार जो विपक्ष है, जैसे आपने कांग्रेस का जिक्र किया, वो ये कह रहे कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ,
मैंने कहा विपक्ष के लोग किसी प्रकार की बात कहेंगे, अपने आप को क्लेम करके ज्यादा बताएंगे, जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता प्रत्यक्ष को देखती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनता पिछले 10 साल से देख चुकी है कि मोदी जी की वर्किंग कैसी है। करनाल फतेह करने को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घूम घूम कर माहौल देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, बीजेपी इस बार फिर हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगी। इस वक्त हमारे साथ है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक के बाद एक बूथ कवर कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स इस वक्त लोगों का आपके सामने आ रहा है? देखिए, लोगों का बड़ा रुझान मोदी जी की सरकार और डबल इंजन की सरकार के प्रति रुझान जबरदस्त है। मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि इस भयानक गर्मी में परिवार सहित निकल करके इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। आपका वोट डलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत सशक्त होगा। मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, गरीब की मजबूती के लिए ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया है आज़ादी के बाद, नरेंद्र मोदी ने किया है। और गरीब व्यक्ति को लगने लगा कि सरकार मेरी है, मेरे ही। इस फेस में मोदी के लिए सबसे मुश्किल योगी के उत्तर प्रदेश में है। यूपी की 14 सीटों पर जहां पर आज वोट कास्ट हो रहा है, इनमें से 9 सीटें तो पहले से ही बीजेपी के पास हैं। इनमें सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर, इलाहाबाद, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, मछली शहर और भदोही सीट। लेकिन छठे फेज में मोदी का स्ट्राइक रेट यहां महज 64% का है, क्योंकि 14 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो मोदी के पास नहीं है। मोदी को उत्तर प्रदेश में मिशन 80 हासिल करने के लिए इन 5 सीटों को जीतना होगा, जिसमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है और बाकी 4 सीटें बीएसपी के पास है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने फूलपुर में वोट डालने के बाद दावा किया कि बीजेपी 80 में से 80 का स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ बढ़ रही है, और इसलिए मोदी को अगर उत्तर प्रदेश में 100% का स्ट्राइक रेट हासिल करना है तो आजमगढ़ को अपने पास बरकरार रखना होगा। आपको याद दिला दें, आजमगढ़ में 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ यहां से चुनाव जीत गए। इस बार निरहुआ के सामने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। इसके अलावा अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज सीट और जौनपुर में भी कमल खिलाना होगा। 2019 में यहां से बीएसपी जीती थी। हालांकि इस बार बीजेपी के पक्ष में एक बात जरूर जाती हुई दिखाई दे रही है, वो ये कि गठबंधन जो पिछली बार अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था, लेकिन इस बार मायावती अकेले अपने प्रत्याशी को, यानी कि अकेले हाथी पर सवार हैं उनके प्रत्याशी और चुनाव में हैं। अखिलेश यादव की साइकिल पर इस बार राहुल गांधी सवार हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसलिए इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब उत्तर प्रदेश की एक और सीट सुल्तानपुर की बात कर लें। सुल्तानपुर जहां का मुकाबला दिलचस्प है, यहां से बीजेपी के टिकट पर मेनका गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी से राम भुआल निषाद ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीएसपी ने उदय राज वर्मा को यहां पर टिकट दिया है। वोटिंग के दौरान मेनका गांधी पोलिंग बूथ पर पहुंच रही थी, जायजा ले रही हैं। मेनका गांधी लोकल मुद्दों पर, डेवलपमेंट के मुद्दों पर जीत का दावा कर रही हैं। तो मेनका गांधी से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुश्किल हर चुनाव होता है, चुनौती हर चुनाव में होती है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर और जो डेवलपमेंट इलाके में हुआ है उस पर जनता हमें, हम पर विश्वास जताएगी। तो अब तक उत्तर प्रदेश की कुछ वीआईपी सीट्स की हमने बात की, फिर चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो। उत्तर प्रदेश के बाद बात अब बंगाल की होगी। बंगाल इस चरण में नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरे हैं, और इसकी वजह भी है। आज पश्चिम बंगाल के जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 19 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, और जिन 3 सीटों को ममता बनर्जी के खाते में डाला था जनता ने, उनमें से 2 सीट ऐसी है तमलुक और काथी, जिनके विजेता इस बार मोदी के साथ हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बहुत दबदबा है। 2021 के चुनाव में शुभेंदु ने तुमलोक का लोकसभा सीट के अंदर आने वाली नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को भी शिकस्त दी थी।
तुम लोग लोकसभा सीट पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और काती से शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि घाटल की बात करें तो यहां से टीएमसी के दीपक अधिकारी चुनाव जीते थे। दिव्येंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी बंगाल की 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी की राह आसान है। लड़ाई अब केवल 1 सीट घाटल पर बचती है। हालांकि इस बीच तुम लोग से बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय को मैदान में उतारा है। उनके सामने टीएमसी के दिव्यांशु भट्टाचार्य मैदान में हैं। बीजेपी ने अभिजीत गंगोपाध्याय को जिताने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को सौंप दी है। नंदीग्राम के धरती पुत्र हमारे साथ हैं। दादा, 2021 का जो मैच था आपने जीता था, 2024 ये भी बहुत भारी अंतर से जीतूंगा। पिछले टाइम ममता बनर्जी 3 कार्ड खेली ना, एक कोरोना के लिए बीजेपी का कोर वोटर को डराया, कोरोना हुए आ रहा है, हमारे जो एडुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है वोट डालने नहीं आया। दूसरा, मुसलमान को सीए कानून पारित होने का बात गुमराह करने का काम किया, जो एनआरसी होगा तुम लोग को डिटेंशन कैंप में भेज देगा, आप तो ये सब इस मुद्दा नहीं है। तीसरा, वो अपने पा को प्लास्टर करके बैंडेज करके कुछ नहीं हुआ था, सिंपैथी क्रिएट करने का कोशिश किया, उसका बावजूद भी उन्होंने चुनाव हारी। इस बार बीजेपी जीतेगा, मार्जिन बढ़ेगा, विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और पाक ऑक्युपाई कश्मीर को देश में लाने के लिए हम सब वोट डाल रहा है। दादा, इस बार उन्होंने नया एक तर्क निकाला है, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में जो हिंसा हुई वो शुभेंदु अधिकारी ने सीपीएम के साथ मिलकर की, उसका थोड़ा मेंटल इलाज का जरूरत है। जिस तरीके से अब शब्द प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, रामकृष्ण मिशन के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ, भारत सेवा संघ के खिलाफ, साधु संत समाज के खिलाफ, इसमें मानसिक जो संतुलन है उसमें सवाल उठ गया है। प्रधानमंत्री जी का शौचालय से लेकर, आवास योजना से लेकर, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर, हर घर नल से जल से लेकर, ये उनको तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए मुस्लिम वोट भी थोड़ा ममता से बिखर रहा है। ये तो नौकरी नहीं दिया, इंडस्ट्री नहीं किया, विकास नहीं किया, इसका पास क्या है? पुलिस को दुरुपयोग क्या कर रहा है, यहाँ नारी सुरक्षित नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनोरिटीज दे आर टॉर्चर एवरीडे। बात एक उस सीट की कर ले घाटल, जहां टीएमसी ने एक बार फिर से दीपक अधिकारी पर दांव लगाया है। उनके सामने बीजेपी के हिरण चटर्जी मैदान में हैं। घाटल में दीपक अधिकारी ने पिछली बार 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का असर और दबदबा घाटल के कई इलाकों पर पड़ता है। बात अब बंगाल के बाद बिहार की, जहाँ के लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। यहाँ भी मोदी का स्ट्राइक रेट 100% है। मोदी को यहां पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट को डिफेंड करना है, जिसमें शिवहर के लोकसभा सीट जहां पर वोटिंग जारी है, जेडीयू से लवली आनंद चुनावी मैदान में है, आरजेडी की रितु जायसवाल चैलेंज कर रही हैं। 2009 से यह सीट बीजेपी के खाते में ही रही है। शिवहर लोकसभा सीट पे पिछले कई वर्षों से डिमांड है यहाँ पे कि रेलवे लाइन होना चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए। शिवहर ऐसा जिला है बिहार के अंदर कि जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, कहीं रेलवे लाइन नहीं है, तो इनकी ये वर्षों पुरानी डिमांड है जिसको पूरा करने के लिए इस बार तमाम उम्मीदवारों ने हामी भरी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से लोगों टिक गया है। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। आपको लगता है कि शिवहर में विकास कार्य हुए हैं पिछले 10 सालों में, जो भी सांसद रहे या जो भी सरकार रही है? जी। इस बार क्या इशू है आप लोगों के? जीसू ये है कि जैसे है उसे चले आगे। आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आज आप उठ करेंगे? रेलवे लाइन लाना, रेलवे लाइन। रीगा चीनी मिल की भी बड़ी बात उठ रही है यहाँ पे, आप लोगों को लगता है कि उसे फिर से शुरू करना चाहिए? एक सुरगम शुरू करना चाहिए, शुरू हो जाए ठीक है, शुरू होगा तो अच्छा होगा। विकास होना चाहिए, ऐसा सांसद होना चाहिए जो गाँव घर में देखे सबको और
जैसे चीनी मिल का बात किए और भी पुल पुलिया है वो सब बनना चाहिए, रेलवे स्टेशन आना चाहिए। विकास तो ठीक हो रहा है लेकिन रिया रेलवे का जरूरी है। आपका क्या नाम है? आदित्य नंदन सिंह। सरकारी थी, सांसद थे, लगता है काम किए होंगे। हाँ, काम किया है। तो किस इशू पे आज आप वोट करेंगे? एजुकेशन एंड रेलवे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ए स्टूडेंट।